हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मेमोरियल सेंटर की परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी को लेकर के, जिसमें जो है आपकी सैलरी 70,000 प्लस जो है वो रहने वाली है। और बात डिटेल में करेंगे कितनी पोस्ट है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर जो है वैकेंसी निकली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर, अ ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक सर्जरी एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 23 मार्च का नोटिफिकेशन है दोस्तों। और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, महात्मा पंडित मनमोहन मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी के लिए वैकेंसी है दोस्तों। ये तो यहाँ पर ऐसी रामायण लिखी हुई है जिससे हमें कोई काम नहीं है। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ आपको। ये अलग अलग पोस्ट है, दूसरी पोस्ट भी है, लेकिन मैं सीधे आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर लिए हुए चलता हूँ। और इसमें नर्स ए लिखा हुआ है, ठीक है। नर्स ए, नंबर ऑफ पोस्ट आर 25, 25 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं, 12 IWS की, 9 OBC और 4 SC के लिए, और बाकी जो बची है वो जनरल के लिए। उसके अलावा बात करें लेवल की, बात करें तो लेवल 7 का पेमेंट रहेगा, प्री रिवाइज 9,300, 34,800, ग्रेड पे 4,600। देन यू कैन सी बेसिक सैलरी इज 44,900, लेवल 7 सेल 1 अलाउंसेस एप्लीकेबल। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है, ठीक है। OBC ST SC को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 3 और 5 साल का क्रमशः। उसके अलावा बात करें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो हम देख सकते हैं GNM विथ इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विथ 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 50-bedded हॉस्पिटल, और बेसिक और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50-bedded हॉस्पिटल। क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट BSc शेल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। कैंडिडेट्स हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी एंड सर्व्ड इन एंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज बाय 5 ईयर्स। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विद INC स्टेट नर्सिंग काउंसिल। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन शुड बी कम्प्लीटेड। GNM एंड पोस्ट बेसिक और बेसिक BSc नर्सिंग शुड बी रिकोगनाइज बाई INC और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों। आगे डिटेल में बात करते हैं। LDC वगैरह की वैकेंसी भी है यहाँ पे। 23 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट है दोस्तों, 23 अप्रैल 2023 को आप आखिरी दिन है अप्लाई करने का। ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही आपको अप्लाई करना है, और इंटरव्यू वगैरह एग्जामिनेशन वगैरह होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा स्किल टेस्ट या इंटरव्यू या रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आपको बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। EWS में तो EWS सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, देन PWD सर्टिफिकेट, इसके अलावा ये सब चीज़ें जो है आपको ज़रूरत होगी। देन एज जो है 23 अप्रैल से काउंट होगी, ठीक है। आगे ज़्यादा जानकारी के लिए आप recruitment@mpmmcc.tmc.gov.in पर मेल करें, कोई फ़ोन कॉल नहीं करें। और एज रिलेक्सेशन आपको बताई है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए, और 10 साल का PWD कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। एप्लीकेशन फीस 300 रुपये रखी गई है, SC ST PWD के लिए फ्री है, ओके। सो अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे सिलेक्शन के बाद, ट्रांसफ़र वगैरह भी हो सकता है, ठीक। एक बार 5 साल एक जगह काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी दोस्तों, ज़रूर अप्लाई करें। लाइक द वीडियो, शेयर द फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।